हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वीर बिल्डहाउस इंजीनियरिंग में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि हनीकॉम्ब क्या होता है। हनीकॉम्ब आपने देखे होंगे, मैक्सिमम बहुत सारे ऐसे कॉलम्स हैं, बीम्स हैं या फिर स्लैब है जिनमें हनीकॉम्ब आ जाते हैं। हनीकॉम्ब होता क्या है ये समझने के लिए आप ये पिक देख सकते हैं। ये पिक में जैसे कि हनीकॉम्ब जो हैं ये कुछ हमारे या तो कॉलम्स में जब हम कॉलम कास्टिंग करते हैं तो कुछ जगह हमें एग्रीगेट दिखाई देता है, यानी कि कॉलम जो है प्लेन नहीं दिखता। यानी आप ये इस तरह से समझ सकते हैं कि वहाँ पर कुछ खुरदुरा सा हो जाता है, मतलब गड्ढे गड्ढे हो जाएंगे आपके कॉलम में। तो इस तरह की कंडीशन को हम हनीकॉम्ब कहते हैं। अब हनीकॉम्ब आने से क्या आपका स्ट्रक्चर है फेल्यूअर माना जाएगा? तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि आपका अगर हनीकॉम्ब आ गया है और ज़्यादा हनीकॉम्ब है तो इस कंडीशन में हम प्रीकास्ट करते हैं या तो फिर कॉलम को हम लोड बेरिंग फेल्यूअर मानते हैं। सेकंड, ये आपका आता क्यों है, किन किन परिस्थिति में या फिर कंडीशन ऐसी होती हैं कि आपका हनीकॉम्ब आ जाता है, तो इसके लिए मैं बिल्कुल आपको पॉइंट बाई पॉइंट बताऊंगा। और सीधा हम वीडियो में चलते हैं पॉइंट टू पॉइंट देखने के लिए। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर ले, इससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने पॉइंट टू पॉइंट हनीकॉम्ब क्यों आता है और ये देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है फ्रेंड्स आपका कि आपका जो वाटर है, एयर जो है, एयर और वाटर जो होती है हमारी, वो उस जगह पे जब आप कास्टिंग करते हैं कंक्रीट की या फिर आप कॉलम को देख लेते हैं हम, कि अगर आप कॉलम की कास्टिंग कर रहे हैं तो उस समय आपका जो एयर वाटर होता है वो वहाँ पर चला जाता है। लेकिन जब टेम्परेचर या फिर आपका जब मतलब एक समय में ऐसा होता है कि हमारा एयर वाटर जो है वो सूख जाता है तो वहाँ पे कुछ वॉइड्स रेशो आ जाते हैं। तो वो जो वॉइड्स होते हैं हमारे, वो वॉइड्स आने की वजह से वहाँ पर हनीकॉम्ब आ जाता है। अगर ये बाहर की तरफ है तो हमें साफ साफ दिखाई देता है, हो सकता है ये अंदर भी हो लेकिन हमें इस कंडीशन में दिखाई नहीं देता। अब आपका अगर आप कास्टिंग कर रहे हो, आपने इम्प्रॉपर तरीके से कॉम्पैक्टिंग की है या फिर आप कॉम्पैक्शन नहीं किए अच्छे से या वाइब्रेटर नहीं चलाए, तो इस कंडीशन में भी आपका हनीकॉम्ब आ सकता है कि आपने नीचे तक बिल्कुल वाइब्रेट नहीं किए हैं या फिर वाइब्रेटर नहीं चलाए हैं। तो इसके कारण कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर कंडीशन सेम रहती है कि आपका जो एग्रीगेट है वो वहां पर वॉइड्स रेशो या फिर आपके कुछ वॉइड्स रह जाते हैं, वाटर पानी के या फिर एयर के हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में ये यहाँ पर हनीकॉम्ब हो जाता है। बाद में जब आप निकालते हैं और फिर आपका वहाँ का जो पानी है, वाटर है, वो सूख जाता है तो वहाँ पे हनीकॉम्ब आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आगे हमारे होते हैं कि आपका फॉर्म वर्क, अगर आपने फॉर्म वर्क तरीके से नहीं किए हैं तो भी आ जाता है, या फिर आपका जो फॉर्म वर्क किए हैं आपने वहाँ पर कुछ ऐसे गैप्स रह गए हैं जहाँ से आपकी जो सीमेंट की स्लरी है वो बाहर हो जाती है, तो स्लरी बाहर होने से वहाँ पर आपका हनीकॉम्ब आ जाता है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो अगर आपका जो कवर है, आपने कवर प्रॉपर नहीं दिए हैं या फिर प्रॉपर कवर ना होने की वजह से भी हनीकॉम्ब आ जाते हैं। ये कैसे आप ये देख सकते हैं कि आपने जहां पर प्रॉपर कवर नहीं दिए हैं तो वहां पे आपका रेनफोर्समेंट बाहर दिखाई देगा, तो रेनफोर्समेंट दिखना भी अच्छा नहीं है, वहाँ पर कोरोजन हो सकता है। तो हनीकॉम्ब आने के और भी तरीके होते हैं, और हनीकॉम्ब में सबसे विशेष चीज़ ये है कि आपकी जो वर्केबिलिटी है कंक्रीट की वो बहुत ही अच्छी नहीं है। वर्केबिलिटी आपकी अच्छी ना होने से भी हनीकॉम्ब आ जाते हैं फ्रेंड्स। अगर आपका एग्रीगेट जो है वो एग्रीगेट इम्प्रॉपर साइज़ का है, यानी कि आपका जो एग्रीगेट है वो प्रॉपर नहीं है, तो भी आपके हनीकॉम्ब आ सकते हैं। तो आपको ये सब वर्क से पहले आपको देखना होगा कि हनीकॉम्ब आ रहा है तो किस कारण आ रहा है। तो इस कारण आप पहले से इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखें, क्योंकि ये छोटी छोटी सी जो बातें हैं इनसे हमारे हनीकॉम्ब आ सकते हैं। तो इस कारण हनीकॉम्ब से बचने के लिए आप ये प्रिकॉशंस ले सकते हैं, इन छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये छोटी सी जानकारी आपको देना था। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।